विज्ञान की दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों के शरीर संरचना में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। प्रकृति ने मर्दों की तुलना में औरतों को बहुत सारी खूबियां दी हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य जो शायद आप कभी नहीं जानते होंगे। महिलाओं की मसल्स हल्की और ज्यादा लचीली होती है। कुदरत ने उन्हें यह खूबी इसलिए दी है ताकि उनका शरीर प्रेगनेंसी के दौरान आराम से बदल सके और चाइल्ड डिलीवरी के बाद आसानी से रिकवर भी कर सके। महिलाओं के एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही उनकी मसल्स में यह खूबी होती है। यही वजह है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी जिम्नास्ट होती है। इसके अलावा उनकी गर्दन भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वे अपनी गर्दन ज़्यादा घुमा सकती है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बालों की मोटाई आधी ही होती है, उनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि स्त्रियों के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, किसी महिला के बालों की क्वालिटी से उसकी रिप्रोडक्शन क्षमता का भी पता लगता है। यानी बालों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, महिलाओं द्वारा सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जागते रहने की तुलना में नींद में महिलाओं के दिमागी एक्टिविटी सिर्फ 10% ही कम होती है। इसका अर्थ है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रेन सोते समय भी काम करता रहता है। इस खासियत के चलते औरतें छोटे बच्चों की बेहतर देखभाल कर पाती है। आपने देखा होगा कि आधी रात को भी शिशु की हल्की सी आवाज़ से माँ की नींद तुरंत खुल जाती है। महिलाओं में दर्द के रिसेप्टर अधिक होते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें दर्द का एहसास जल्दी और ज़्यादा होता है। इसके बावजूद वे ज़्यादा दर्द सहन कर सकती हैं। यही वजह है कि महिलाएं सिर दर्द बदन दर्द होते हुए भी काम करती रहती है। महिलाओं का दिल ज़्यादा मजबूत माना जाता है, वह मर्दों के दिल के मुकाबले छोटा होता है। महिलाओं के दिल का एवरेज वजन 118 ग्राम होता है, जबकि पुरुषों के दिल का वजन इससे 60 ग्राम ज़्यादा होता है। महिलाओं का दिल पुरुष के मुकाबले ज़्यादा तेजी से धड़कता है। दिल लगा लेना वाक्य महिलाओं पर सटीक बैठता है। वे किसी भी रिश्ते में अधिक गहरा जुड़ाव महसूस करती है। उनके दिमाग में ऐसे हिस्से ज़्यादा डेवलप होते हैं जो अफेक्शन का एहसास कराते हैं, इसलिए महिलाएं किसी भी रिश्ते को अच्छे ढंग से निभाती है। औरतों के दिमाग में स्पीच और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए 2 सेंटर होते हैं, जबकि मर्दों के दिमाग में ऐसा 1 ही सेंटर होता है। इसी कारण महिलाएं तेजी से और साफ साफ बोल सकती है। उनके पास नॉन वर्बल इशारे भी पुरुषों की तुलना में दुगने होते हैं, यानी वे बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकती है। महिलाओं के शरीर में भीतरी अंग छोटे होते हैं, यही कारण है कि महिला और पुरुष दोनों बैठे हों तो महिला का शरीर कम कैलोरी बर्न करेगा। मातृत्व की तैयारी के लिए उनके शरीर में फैट जमा करने की प्रवृत्ति भी होती है। महिलाएं हायर फ्रिक्वेंसी की आवाज़ यानी ऊंचे सुर ज़्यादा साफ सुन सकती है। यह भी उन्हें बच्चे पालने में मदद करता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ हायर फ्रिक्वेंसी की होती है। इसलिए माताएं अपने बच्चों का रोना तुरंत पहचान जाती है और उनके पास पहुंच जाती है। महिलाओं की स्किन पुरुष के मुकाबले ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। उन्हें स्पर्श का एहसास भी अच्छी तरह होता है, इसलिए वे बारीक चीज़ों को छूकर पहचान जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मर्द मोटी स्किन वाले होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की पलकें 2 गुना तक ज़्यादा झपकती है। पुरुषों को लगता है कि पलकें झपकना महिलाओं की अदा है, जबकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करती है। इसके चलते उनकी आँखें में लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है और उन्हें ड्राई आई की समस्या कम सताती है। हालांकि मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव से उन्हें यह समस्या हो सकती है। जन्म से ही स्त्रियों की नाक में गंध का एहसास कराने वाले रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वे पूरी जिंदगी पुरुषों के मुकाबले सुगंध और दुर्गंध का एहसास अच्छे तरीके से कर पाती है। इस गुण का फायदा उन्हें रसोई में भी मिलता है। महिलाओं की जीभ को चटोरी कहा जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी जीभ में टेस्ट बड्स ज़्यादा संख्या में होते हैं, मतलब यह है कि उन्हें हर तरह के स्वाद का एहसास जल्दी और बेहतर तरीके से हो सकता है, इसलिए तो वे जरा सा खाना खाकर पूरा हाल बता देती है। यह गुण परिवार की सुरक्षा के लिए डेवलप हुआ है, ताकि रसोई की इंचार्ज महिलाएं खराब खाने से पहले उसको पहचान जाए। संभवतः यही एक फैक्ट है जो जग जाहिर करती है कि महिलाएं ज़्यादा भावुक होती है।
साल भर में महिलाएं 30 से 60 बार तक रोज आती है, जबकि पुरुष 6 से 12 बार। इस भावुकता के चलते महिलाओं के दिल का गुबार निकल जाता है और उन्हें सेहत संबंधी फायदे मिलते हैं। पुरुष लाल, पीला, हरा, नीला जैसे रंग आराम से पहचान जाते हैं, जबकि महिलाएं लाल या नीले जैसे रंगों के भी दसों शेड्स के अंतर कर सकती है। यह भी मानव इतिहास के हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ गुण है। इससे खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।